यूट्यूब चैनल बिग मूडी का। आप सभी लोगों के ना मुझे इतने मैसेज मिले थे कि दीदी प्लीज आप अपने ब्लाउज डिजाइन का एक वीडियो बना दीजिए। मैं हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के सामने अपने ब्लाउज की डिजाइन लेके। अच्छा गाइस, कई लोगों के ना ऐसे मैसेज भी आ रहे थे कि दीदी आपकी ब्लाउज की डिजाइन ना बहुत अच्छी है, हमें पहनने का मन तो करता है पर हमारे हस्बैंड या ससुराल वाले नहीं पहनने देते। तो गाइस उन लोगों के लिए भी ना कुछ खास ब्लाउज की डिजाइन लेके आई हूँ, ठीक है? वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो में ना आपको तरह तरह के ब्लाउज देखने को मिल जाएंगे, वो सीक्वन साड़ी को हो, नेट की साड़ी को हो, नॉर्मल साड़ी हो, या फिर अभी हाल फिलहाल में ऑर्गेंजा चल रही हो वो हो, या फिर बनारसी सिल्क जो भी हो, आपको ना बहुत बहुत तरह की डिजाइन मिलने वाली हैं। और गाइस इसके ना फायदे भी आपको बताती हूँ। जैसे कि ये सामने आप साड़ी देख रहे हैं, मेरा ब्लाउज आपने देखा होगा, तो इसका जो कपड़ा बचा था ना, तो मैंने अपनी बेटी के लिए सेम ड्रेस उसके लिए ब्लाउज सिलवा लिया और ऊपर से एक स्कर्ट ले ली, तो बन गई ना ममा बेबी मैचिंग मैचिंग। यार वैसे हम लोग मार्केट में मैचिंग का खरीदने जाते हैं तो कितना कॉस्टली पड़ता है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बना लेना है मैचिंग। गाइस जो भी डिजाइन आपको पसंद आती है ना, तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। गाइस इस ब्लाउज की डिजाइन दिखाती हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि ये ना मेरा फर्स्ट ब्लाउज था जो मैंने सिलवाया था, और ये सिलवाया था मैंने 2014 में। जी हाँ, तो गाइस इसमें ना आप ना बैक में जैसे मैंने ये गला बनवाया है, आप चाहें तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं। अच्छा गाइस पता है मैंने ना जितने भी आपको आज ब्लाउज दिखाने ना, सारे ना मेरी लगभग साड़ियों के ही हैं, पर मैंने इनको इस तरह डिजाइन करवाया है। फिर ना आप इस तरह डिजाइन करवाएंगे ना ब्लाउज, तो ना होगा क्या कि आप ना इसको किसी भी स्कर्ट में क्रॉप टॉप की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा गाइस ये डिजाइन ना मैंने बेलबेट पे बनवाई है, और इसकी दोनों स्लीव्स ना मैंने थोड़ा डिफरेंट रखी है जिससे इसका लुक ना बहुत ही अच्छा है। जो हमारा ये नेक्स्ट ब्लाउज है गाइस, ये ऑर्गेंजा साड़ी का है। हाल फिलहाल में ऑर्गेंजा साड़ी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। साड़ियां तो इनकी काफी औसम रहती हैं, पर ब्लाउज में मुझे थोड़ी दिक्कत लगती है कि यार बहुत ही प्लेन लगते हैं, तो आप ना इस तरह का ब्लाउज ट्राई कर सकते हैं। बस अगर इस तरह की आप ब्लाउज बनवाना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें, इसका कट ना आप वी शेप का बनवाएं, तभी आपकी डिजाइन ना एकदम परफेक्ट आएगी। अच्छा गाइस ये छोटी छोटी बातें ना मैं आप लोगों को इसीलिए बता देती हूँ कि आप लोग ब्लाउज बनवाएं और कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने इसमें सीधा कट लगवा लेंगे ना, तो ब्लाउज गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक लोगों ने बनवाया और उनका गड़बड़ हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को पहले से बता देना चाहिए। अच्छा गाइस जो ये है, ये क्रॉप टॉप समझ लीजिए, टॉप समझ लीजिए, ब्लाउज जो भी आपको समझ रहा हूँ, ये ना मैंने काफी साल पहले अमेजोन से परचेज किया था, पर ये मुझे काफी पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो क्रॉप टॉप या साड़ी मैं यूज कर सकते हैं। अच्छा गाइस इसमें से कुछ ब्लाउज की वीडियो ना ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, पर लोगों के बार बार मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार और भी बना देते हैं। अच्छा गाइस जो ये मैंने क्रॉप टॉप लिया था या ब्लाउज जो भी आप बोले, इसको ना मैंने मीशो से खरीदा था, पर मुझे लगता है कि उसमें काफी महंगा ही पड़ गया, अगर मैं इससे कपड़ा लेके सिलवा लेती तो मुझे काफी सस्ता पड़ जाता। आपने इसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। गाइस ये ब्लाउज ना ऑर्गेंजा साड़ी में ना एकदम ऑसम लगता है। अच्छा गाइस वैसे ना मैं चाहती थी कि ये सारे ब्लाउज ना मैं आपको साड़ी में पहन के दिखाऊं, पर यार इतना टाइम अभी था नहीं, मेरे बच्चे के अभी एग्जाम चल रहे हैं तो टाइम की थोड़ी कमी थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक स्कर्ट में आपको सारे ट्राई करके दिखा देती हूँ, वैसे भी आप लोगों को तो डिजाइन ही चाहिए। अच्छा अब ना मैं आपको एक जुगाड़ बताती हूँ अपनी। जैसे गाइस आप ये ब्लाउज देख रहे होंगे, इसका बैक में देख रहे होंगे जो कपड़ा लगा हुआ है ना, तो ये कपड़ा ना एक्चुअली ये स्लीव्स के लिए ही आया हुआ था, पर मैंने सोचा यार स्लीव्स में तो सबको ही लगवाता ही है, तो मैंने कहा यार इतना सारा कपड़ा बर्बाद क्यों करना, तो मैंने बोला उससे जो मेरी ब्लाउज सिलती है, तो मैंने उससे ये कपड़ा ना बैक में लगवा दिया, और फिर यार स्लीव्स प्लेन हो जाती, तो मैंने उससे बोला यार इसे तिकोना कट करके लगा देना, जिससे ना कपड़ा थोड़ा कम लगा और ब्लाउज पे एकदम बढ़िया ऑसम लगने लगा। अच्छा गाइस ये ब्लाउज भी ना काफी पुराना है, पहनते ना ये काफी उधड़ गया, पर मैंने सोचा कि चलो ब्लाउज की डिजाइन अच्छी है तो आपको दिखा देती हूँ। गाइस ये तब का ब्लाउज है, तब ना ये कोल्ड शोल्डर चले ही चले थे, तो गाइस इस तरह आप कोल्ड शोल्डर नहीं बनवाना चाहते हैं तो वो हटवा दें और बैक का डिजाइन बस बनवा सकते हैं। और ये रहा नेट की डिजाइन, एक्चुअली इस स्लीव्स में ना मैंने चुन्नटे डलवाई थी, पर कपड़ा काफी कम था तो ये बढ़िया से आई नहीं, पर कोई ना अगर आपके पास ना कपड़ा ज्यादा है या फिर आप अलग से कपड़ा देते हैं ना, तो आप ना उसमें चुन्नटे ज्यादा भी डलवा सकती हैं। और बैक से मैंने इस तरह इसको रखा हुआ है, साइड में इसमें जिप लगवाई है मैंने। गाइस ये ब्लाउज है साटन साड़ियों का, जो आजकल साटन साड़ियां बहुत ही ज्यादा चल रही हैं, बहुत ही कम रेंज में। गाइस इसका जो ये स्लीव्स का कपड़ा है ना, ये 1 मीटर का नेक मैंने अलग से ही लगवाया है।
अच्छा गाइस, आप पीछे से नेक को ना कम करना चाहते हैं ना, तो आप जो आगे से है ना इसका नेक ना थोड़ा चौड़ा कर दे, जैसे वो बोट नेक बनता है ना, तो आपका ब्लाउज ना काफी बढ़िया लगेगा। और अच्छा गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि ये सारे साड़ी के ब्लाउज हैं, पर मैं इसको क्रॉप टॉप के जैसे बढ़िया से यूज कर सकती हूँ ना। गाइस, हैवी नेक की बहुत सारी डिजाइन हो गई, अब मैं ना कुछ सिंपल से ब्लाउज दिखाने वाली हूँ। ये खास ब्लाउज उन लोगों के लिए जिनके हस्बैंड ना ज्यादा डिजाइन करवाने की परमिशन नहीं देते हैं। तो गाइस, ये बैक से पूरा प्लेन ही है, पर फ्रंट में मैंने क्या किया है कि इसके एक साइड कोने में इस तरह का एक कट लगवाया हुआ है। गाइस, बस ख्याल ये रखना है, जो कट लगाना है ना हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, मतलब कि हम पल्ला इस तरफ डालते हैं साड़ी का, तो जो हमें कट लगवाना है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगवाना है। गाइस, सिर्फ एक इतना छोटा कट लगवाने से ना आपके ब्लाउज का लुक ना एकदम बदल जाएगा। इस तरह का ब्लाउज की डिजाइन आप किसी भी कपड़े में बनवा सकते हैं आसानी से, और जब ना इसे आप ज्वेलरी और पूरी साड़ी के साथ कैरी करेंगे ना, तो आपका ब्लाउज ना एकदम बढ़िया लगने वाला है। और आप भी दूसरे नंबर का ब्लाउज है ये मेरे पास, मैंने ये ऑनलाइन ही खरीदा था मीशो से। आप ना इस तरह की डिजाइन बनवा सकते हैं। वैसे भी जब हम नेक बनवाते हैं तो कम से कम 8 या 9 इंच का तो बनवाते हैं, तो हमें क्या करवाना है कि बीच में हमें ऊपर से बंद करवा देना है और बीच में इसको आप इस तरह फोल्ड करवा सकते हैं। देखिए, इससे ना आपकी ब्लाउज की डिजाइन ना एकदम बढ़िया आएगी। वैसे तो इसमें डिजाइन बनी है, अगर आप बोलेंगे कि हमारा प्लेन ब्लाउज है तो आप इस तरह नेक बनवा लें और ऊपर से उसमें कोई व्हाइट कलर की या गोल्डन कलर की मोती लगा सकते हैं। अच्छा यार, मुझे नहीं लगता कि यार अब इस तरह के ब्लाउज भी शायद कोई ना पहनने दे अपनी वाइफ को, तो आप ना इस तरह होशियारी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर से नेक बंद करवा ले और बीच में ना इस तरह डिजाइन बनवा ले, आपका बढ़िया फैशन भी बन जाएगा और आपका ब्लाउज भी ऑसम, फिर आप भी खुश, आपके हस्बैंड भी खुश। एक डिजाइन मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो ना सिल्क या फिर बनारसी की साड़ी पहनते हैं, उनमें ना कोई ज्यादा डिजाइन हम बनवा नहीं सकते हैं। तो गाइज, ये हाल फिलहाल में मैंने ये ब्लाउज बनवाया है, आगे से बोट नेक है और इधर पे मैंने ये लगवाए हैं और इधर पे मैंने डलवाई है ये थोड़ी थोड़ी चुन्नट है, अगर आपको दिख रही हो। हाँ, और ये पीछे की है ये डिजाइन। सिर्फ इतना ही करवाने से ना गाइस, आप यकीन मानिए हमारे ब्लाउज की डिजाइन ना और लुक ना बहुत ही बदल जाता है। इस ब्लाउज का लुक ना साड़ी के साथ ही ज्यादा अच्छा लगेगा, पर मैंने ऐसे दिखा दे रही हूँ आपको। ऊपर ना मैंने चुन्नटें डलवाई हैं और नीचे इसमें और गले में ये छोटे छोटे कंगूरा लगवाए हैं, जो भी आप क्या बोलते हो, और बैक में मैंने इसको इस तरह एकदम प्लेन रखा हुआ है। अच्छा गाइज, आप लोग ना थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे ना, तो आपके ब्लाउज ना बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं अगली बार से। अच्छा यार, कई लोगों के ना मैसेज आ रहे थे कि दीदी आप ब्लाउज सिलवाती हैं या ऑनलाइन खरीदती हैं, तो गाइज यार अपनी पसंद का ब्लाउज मिलना ऑनलाइन थोड़ा नहीं यार, काफी मुश्किल है मुझे लगता है। तो मैं ऐसे कभी साड़ियां लेती हूँ तो उसके ब्लाउज की डिजाइन अपने पसंद से सिलवा लेती हूँ। यार मैं सच सच बताऊँ ना, मैं साड़ी लेने से पहले ना ब्लाउज एक बार जरूर देखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि साड़ी ज्यादा पसंद आ जाती है और ब्लाउज इतना अच्छा नहीं होता है। आजकल कई साड़ियों में आपने देखा होगा, खास तौर से ऑर्गेंजा साड़ी में ब्लाउज बहुत ही नॉर्मल आता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर ना मैं थोड़ा सोच के वैसी डिजाइन सोच लेती हूँ और सिलवा लेती हूँ। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही ऑसम से वीडियो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।